जय साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। ये एग्जाम को लेकर है क्योंकि आपके फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसा क्वेश्चन पूछे गए, कितना नॉर्मल बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए। मैं रिव्यू एक कैंडिडेट्स मैंने एग्जाम जैसे एग्जाम हॉल से निकलते ही मेरे पास कॉल किया, तो उसकी सारा मैं डिटेल्स आप लोग को बताने वाला हूं। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुने, वीडियो को देखें और समझे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रही है, आप लोगों को घबराना नहीं, करंट अफेयर के आपकी थोड़ी सी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है थोड़ी सी आउट, मतलब आउट है, आपको उसके लिए थोड़ी सी टाइम पहले से देना चाहिए था। और करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अभिषेक बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो, एग्जाम हो गया? हाँ सर, एग्जाम हो गया। कैसा था पेपर? सर एग्जाम तो पूरा हलवा था सर, पूरा हलवा आया था। पूरा नॉर्मल पेपर, इतना ऐसा सोचा नहीं था आदमी ने कि इतना नॉर्मल पेपर आएगा। कट ऑफ इसीलिए तो मैं बोला कट ऑफ हाई जाएगी ना सर। हिंदी पूरा नॉर्मल आया था, बस एक दो समास के थोड़े थे तो वो समास ने थोड़ा कंफ्यूज किया कुछ लड़कों को। और अपना बात की जाए फिर हिंदी में गद्यांश नहीं पूछा था सर, संधि विच्छेद वगैरह, संधि विच्छेद वगैरह भी नहीं पूछा था। और अपना हिंदी का पूरा नॉर्मल लेवल था, कुछ भी नहीं था। एक वहाँ पे तादर का विलोम निरादर ऐसा शब्द आए थे, विलोम विलोम शब्द आए थे, पूरा हलवा पेपर आया था। और सर अपने रीजनिंग पे, तो रीजनिंग में तो सर मैथमेटिकल ऑपरेशन था ना, जैसे प्लस इसका वाई का संबंध प्लस से है, एक्स का संबंध माइनस से। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से 5 क्वेश्चन आ गए थे, 4 तो सीरीज के क्वेश्चन आ गए थे। रीजनिंग भी पूरा नॉर्मल, अपना एक वो आया था इससे केंद्र की ओर मुख करके बैठते वो। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट का, यानी ये भी पूरा, ये भी नॉर्मल ही था रीजनिंग भी। और फिर बात गए मैथ पे, तो सर मैंने अमेजिंग नहीं किया था, सोचा नहीं था। मैं आपको बता रहा था हर बार कि मेरा स्कोर मैथ्स में 10 ही आता है, 12 ही आता है सर, मैं चेस देता हूँ। तो वहाँ पर मैंने, मेरे को ऐसा लगता है सर कि मैथ्स में से 20 में 25 में से कम 19 क्वेश्चन सही हो गए होंगे मैथ्स में। हाँ, लेकिन जीके जीएस में सर, जीके जीएस में ना कम से कम 25 क्वेश्चन में से कम 7 क्वेश्चन तो भी करंट अफेयर के आए थे। 7 क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आएंगे करंट अफेयर के। हाँ, और सर ऐसे डूरंट कप वाला आया था, एक मनीषा नाम से आया था, उसका संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल से था, वो लगाया मैंने। और ऐसा एक सबसे पहले वायुयान चलाने वाली ऐसी कोई थी जो पाकिस्तान की धरा पर, ऐसा कुछ था उसका। अच्छा। तो सबसे कठिन लेवल आया था, तो बंदों को लगा तो जीके ही लगा, नहीं तो बाकी सब सबके लिए। जीके जैसे क्या ना, ऑनलाइन में जीके जीएस उठाते हैं ना अलग अलग से, तो वो कंटेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है वो लेवल जीके का। जीके जीएस में ना ऐसा कोई बंदा बोल नहीं सकता प्रॉपरली कि मैंने जो बनाया सही हूँ, लेकिन वो ऐसा बोल सकता है कि मेरे 5 क्वेश्चन सही है, बाकी मैं तुक्के लगा के आया। तो वही सर मेरा 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सही है जीके जीएस में, ऐसे जो मेरे को पता थे 6-7 क्वेश्चन, और उसके बाद बाकी तुक्के लगा। और मैं इससे पहले तो सर जीके में पूरे तुक्के लगाता था, तो वहाँ मेरे 8 सही होते थे, इस बार तो 5-6 बने और बाकी तुक्के तुक्के हुए थे जीके में, ये पता। अच्छा, यानी मान के चलो जीके में कितना मैक्सिमम लोग हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना बनाया होगा सर? मैं बता रहा हूँ, मैं अब मेरे पे से लगाइए, मैं 24-25 क्वेश्चन हिंदी में से, उसमें से मेरा अक्षर मेरे को ऐसा लगता है 23-22 क्वेश्चन तो हिंदी का राइट होगा। और मैं आपको पहले बोलता था हिंदी का मेरा अच्छा स्कोर आता था पहले से ही। हाँ, हिंदी तो तुम्हारा ठीक था, और रीजनिंग का मैंने मान के चलो हिंदी में। हाँ, और 23 क्वेश्चन मैंने बोला था कि रीजनिंग का, उस दिन 23 हुआ था, तो आज भी मेरे को ऐसा पूरा अनुभव है कि 22 क्वेश्चन तो रीजनिंग के भी गए नहीं थे। यानी 22 रीजनिंग, यानी 43-45 मार्क्स हो गए, 45। और 19 नंबर सर मैक्सिमम ऐसा लगता है कि 19 नंबर मेरा इसमें सही है मैथ्स में, क्योंकि सर परसेंटेज लाभ हानि के 6-7 क्वेश्चन भर दिया था, अनुपात समानुपात के 2-3 क्वेश्चन, अंकित मूल्य बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, बस कि ये 2000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये क्वेश्चन आया था। यानी मीडियम क्वेश्चन, जिसका तैयारी अच्छा खासा होगा तो अब अच्छा बना लिया होगा मैं टोटल। लेकिन 19 मैच के समझ लिए सर, वही बात फिर जीके जी उसकी, तो मेरे को ऐसा लगता है 7 क्वेश्चन मेरे सही होंगे और बाकी मैंने तुक्के लगाया, तो अब देखिए कितना होता है। यानी कि 65 हो रहा है ना, 64 कितने अपने, यानी वो समझ लिए 23 और वो 22 कितने हो गए सर अपने, 45 और 19 क्वेश्चन इसके किसके मैथ के। हाँ, यानी कि ये कितने हो गए सर, 45 और 19 तो ये 40, अभी 60 और उधर आपके 64 64 और वो 7 क्वेश्चन उसके अपना जीके जी। हाँ, तो 64 यानी कि 71
हाँ ये इतना ऐसा लगता है सही है, बाकी तो क्या पता अब नहीं बाकी क्या होगा। तुक्का में उधर मान के चलो तो 5 नंबर तो 71.5 यानी 76 मार्क्स यानी आपके 75 प्लस है। हाँ मेरा तो पूरा को कितना भी काट ले 70 के अप्रोक्स आगे जाएगा ही, 75 तो वो तो मैंने तो जो सही बनाया हूँ, मैंने कितना भी करते एक दो गलती भी हो गई होंगे अचानक, तो 72 के प्लस तो जाएगा ये सर। और लड़के से रिव्यू लिया तो क्या बताया, मतलब कितने लड़के मतलब अटेम्प करके आए हैं मार्क्स अकॉर्डिंग टू मतलब पेपर के हिसाब से? पेपर तो जिस हिसाब से बता रहे हो तो बिल्कुल इजी है। हाँ तो मेरे तो हिसाब से मेरे 75 पूरे टोटल सही हो रहे हैं, 75 प्लस ही सही हो रहे हैं, और तुक्के में से क्या सही होते हैं क्या नहीं ये तो पता नहीं, हो भी सकते उसमें से भी। लेकिन इधर में मेरे लड़के जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कोई तो तैयारी करके नहीं आया था, कोई क्या बोल रहा है कि जैसे 14 तारीख हम क्या सोच रहे थे, बोले 1 साल से फिजिकल नहीं हुआ तो जो है हमने अभी तक तैयारी नहीं की, और 10 तारीख को आया तो उस दिन से तैयारी भी किए, तो जो है अपन ने बोले बहुत ऊंचा लेवल का भी पढ़ के आए थे, बोले लेकिन ऊंचा लेवल का ही नहीं आया, बोले बेसिक क्वेश्चन हमसे छूट गया, बोले और कई तो बोले टाइम ही मैनेज नहीं हुआ, बोले मैंने बोला टाइम मैनेज तो 120 मिनट बहुत होते हैं। हाँ लड़के ज्यादातर लड़के का 70 बंदे बोल रहे हैं कि 70 प्लस सही हो जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं, बहुत लड़के हैं। यानी मेरा जो कट ऑफ मैंने बताया वो कट ऑफ सही है बिल्कुल। हाँ 70 लड़के सर, यानी जीके जीएस पे जो कोई बंदा बिलीव नहीं कर रहा है कि कितना सही होगा मेरा। यानी मैथ और रीजनिंग और हिंदी ये सब मतलब बिल्कुल मीडियम सर। आप सोचिए कोई भी बंदा 23-20 ठोक के आ रहा है, हिंदी में से 30 ठोक के आ रहा है, 22 मैथ में से 19 करके आ रहा है, तो वो भी आप ही ने बोले थे कि जिसका भी 18-20 प्लस होता है अच्छा है मैथ का स्कोर, आपने बोले थे। बिल्कुल बिल्कुल, पर धोखा दिया इसी ने किसी ने आपका जीके जीएस में। और जीके जीएस में आप जो बोल रहे थे कि कल जो टॉपिक बताए थे ना सर, ये सब खेल वेल से तो फुटबॉल से आ गए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए जीके से, बस यानी जीके में ही बिलीव नहीं किसी को कि तुक्का सही होगा या क्या होगा। यानी रिजल्ट का मेन टॉपिक मतलब जीके जीएस से ही रिजल्ट रुक सकता है। जिस बंदे ने जीके जीएस अच्छा स्कोर कर लिया अगर उसने मान के चलिए 10 क्वेश्चन उसके जीके जीएस में पूरे सही है सर, और उसका इधर तो समझ लीजिए कि 20-22 का रेशो चले रहा है मैथ रीजनिंग और हिंदी में, उसका तो हो जाएगा। और सर 10 में से 10-15 क्वेश्चन बच गए जीके जीएस के, तो उसमें तुक्के मार दिया 5 से 15 भी स्कोर कर रहा है जीके जीएस में, तो उसका बहुत अच्छा हो जाएगा स्कोर ऐसा लगता है। जी जी जी, अभी कहाँ है? अभी तो सेंटर पे था, अब निकलूंगा घर रूम के लिए। हाँ ठीक है, आराम से खाना उन्हें खाओ पहुंचो, फिर सेकंड शिफ्ट अब होगा ना। हाँ सेकंड शिफ्ट पर होता रहेगा, तुमने लोअर रिव्यू पर क्या होगा सर, क्या कट ऑफ क्या जाएगी, अब क्या लगता है आपको? कट ऑफ जो मैंने बताया वही जाएगा, मैं समझ गया। आप यानी समझ लीजिए सर नॉर्मल पेपर था, कट ऑफ 85-90 पक जाएगी। 90 नहीं जाएगी, 85-80 ये सब रहेगा रेशियो। अपना कोई चांसेस है नक्सल से? नौ पोस्टे अपने नक्सल में चांसेस है, लेकिन एक बात है सर, पेपर देने के बाद हर बंदे को पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है अपने आप में, मैंने अच्छा बना के आया है ना। हाँ बस वो उसका नहीं भी होगा तो वो नहीं सोचेगा कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि उसको है ना अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है सबको, और जिसने बेसिक था तो बेसिक पे थोड़ा सा पढ़ लिया था तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी मैथ में ज्यादा तो लाभ हानि बट्टा परसेंटेज SICI बस यही सब पूछा था सर, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और बट्टा हो गया, अंकित मूल्य, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इसी से कम मेरे को लगता है 8-9 क्वेश्चन छूट दिया होगा। रेशो प्रोपोर्शन से सर ऐसा पूछता था कि सर 4-3-4-3-7-5 ये इससे ABCD 4-3-7-5 के अनुपात में है, और यहाँ से जो है डी जो है सी से 50-500 अधिक है तो बी का हिस्सा कितना होगा, बस वही जो भी संख्या है रहता है सर नॉर्मल क्वेश्चन थे पूरे। तो ठीक है, ठीक था क्वेश्चन। फायरमैन का पेपर फायरमैन जैसे आया था, यानी अपन जो एडवांस लेवल का पढ़ते थे मैं जो मॉक लगाता था ना सर वो मॉक का लेवल ज्यादा कठिन होता था। नहीं नहीं, मैं पहले भी क्या बोलता था कि पेपर बिल्कुल मीडियम आती है, नॉर्मल आती है, लड़के क्या है ना कि हायर स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी कर लेते हैं और मीडियम को ध्यान ही नहीं देता, इसीलिए नॉर्मल में ही फंस जाते हैं। लेकिन क्या है कि पेपर मैं हर बार का देखा हो ना, पेपर मीडियम ही आते हैं। स्टील का देखो पेपर भी था एकदम बिल्कुल नॉर्मल।
सर मेरा एक बेनिफिट हुआ, 14 तारीख को एग्जाम का आया यानी रिजल्ट यानी एग्जाम का डेट आया और मैंने उसी दिन से मेरी अग्निवीर की पुरानी नोट्स थी सर, उसमें पूरा बेसिक आता था अग्निवीर में, तो बेसिक तैयार किया था मैंने, तो मैंने बेसिक को पूरा पढ़ा सर 10-12 चैप्टर, तो उसी से ऐसा लगता है मेरे को पेपर का मैथ्स आधे से ज्यादा 75% मैथ्स बन गया बेसिक से। हाँ तो सही किया ना, बिल्कुल अच्छा किया। वो आया था एक क्वेश्चन आया था सर कि जैसे 6 आम 24 रुपए में खरीदे जाते हैं और उसके बाद 18 रुपए के हिसाब से 3 आम बेच दिए जाते हैं, तो जो है कितने का जो है लाभ होगा या जो भी होगा, तो उसमें बस वही 6 का मूल्य 24 है तो 1 का मूल्य 24/6, वैसा ही 3 का मूल्य 18 है तो 1 का मूल्य 18/3 और वहाँ से लाभ लाभ प्रतिशत निकल गया 50%। रिजल्ट कई लोगों को तो ये भी नहीं पता सर कि बोले इसकी फाइनल मेरिट भी आती है कैसा है कुछ, तो बोले अब इसके बाद रिजल्ट आएगा, बोले अब ये तो 1 साल एग्जाम को हो गया, बोले अब 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, बोले ऐसा बोलते सर। नहीं नहीं रिजल्ट जल्दी दे देगा, आंसर की दे देगा 10 दिन में। और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि बोले उनको तो पता ही नहीं कि जो फाइल जिनका नाम आता है उनका फाइनल सिलेक्शन वाला नाम है, बोले अब उसके बाद एग्जाम किया कट ऑफ आएगी, बोले फिर मेडिकल होगा फिर फाइनल कट ऑफ आएगी, ऐसा सोच रहे थे कहीं। ऐसा नहीं पर जो है ना सर जो बिना तैयारी वाला बंदा था, तुमको सर कम से कम जो बंदे हर कोई इन्हें पूछा मैंने तो सब बोल रहे थे कि जो हमने जो है जब से एग्जाम डेट आई तब से पढ़े थे, और उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़े थे SSC GD के लिए, बस वो पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत पढ़े, तो कोई कोई बंदे थे जो बोले इस पर नजर गड़ाए थे, बहुत कम से कम 100 में से 2-3 बंदे ऐसे मिले जो बोल रहे कि हम पढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, किसी में सिलेक्शन मिला किसी में GD में कोई अग्निवीर में ले लिया जो पढ़ रहा था जिसका अच्छा था। ऐसा पेपर अगर से इसमें GD में आ जाए तो हर कोई बंदा लग जाता है। नहीं नहीं SSC GD में ऐसा नहीं लगेगा, यानी 75 बंदे 70 के ऊपर तो बहुत जाएंगे, अगर से सीट रहे CRPF 1800 कर दे तो लगेगा कोई, तो 1800 करेगी या नहीं है सर या कम करेगी उनका? करेगी वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी बढ़ेगी तो यानी समझ लीजिए ज्यादा कर देगा। एक नंबर आया है पेपर तो। 100 तो करके आए, पूरे टाइम भी पूरा फुल मिल रहा है। हाँ 2 घंटे तो काफी टाइम है, 2 घंटे में 2 घंटे अब जिसका वो एकदम जीरो ही था वो तो धीरे धीरे कर रहा है, वो ABCD के अक्षर हाथ से गिन रहा है। एक लड़का तो मेरे बगल में बैठा था वो बोलते बोलते उसके बोलते बोलते पूरा टिक लगा रहा था, कर क्या रहा है भाई, और ABCD को लिख रहा था। कई को तो ऐसे बंदे थे उनको ABCD के अल्फाबेट सीरीज के नंबर याद नहीं थे, रीजनिंग तो पूरा ही सरल आया था सर, कुछ भी नहीं, मेरे को लगता है आधी सीरीज नहीं थी और आधा वही था मैथमेटिकल ऑपरेशन। सर आपका एक GK में क्वेश्चन आया था कि छठ पूजा किससे संबंधित है? तो क्या लगाया था? बिहार, बिहार का। तो सही है, एक क्वेश्चन तो सही आया ना। हाँ वो जो है ना GK का भी जो बंदा 3 महीने से भी GK पढ़ रहा था ना तो उसका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। पर सर करंट अफेयर 6-7 पूछा, उसमें से 6-7 पूरे आउट ऑफ सिलेबस जैसा पूछा था। करंट अफेयर में बोला कि आएगा पक्का आएगा, 4-5 पक्का आएगा, 6 बता दिया, 4-5 तो मैं बोल ही रहा था। और वो क्या कहते हैं कम से कम 2023 की है, मैं तो 22 के पढ़ के गया था क्योंकि 22 के एग्जाम के थे। नहीं नहीं 6 महीना पहले कहीं पूछता है एग्जाम, जब भी हो वैकेंसी को लेकर मत जाओ। राज्यपाल वाज्यपाल कुछ नहीं पूछा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं पूछा, अनुच्छेद से क्वेश्चन आए थे, संविधान से आए थे। हाँ और G20 एशिया कप ये तो नहीं आया था, पर फुटबॉल का वो आया था डूरन कप वाला। अपना इसमें नवयुवक में कौन सा समास आया था, तो कर्मधारय समास है ना, कर्मधारय ऐसा कुछ, कर्मधारय तत्पुरुष ऐसा था उसका। नवयुवक तो शायद कर्मधारय ही होगा ना। हाँ तो कर्मधारय वाले पे लगाया मैंने। एक आया था वो पीताम्बर वाला भी आया था एक समास, उसका है ना उसका रहता है ना जैसे पीला है अंबर जिसका ये रहता है, तो वहाँ पे उसका पीला है अंबर जिसका नहीं आया था, बस उसका विग्रह आया था पीताम्बर का है, तो वहाँ पे ऑप्शन में था पीला है अंबर,
ये था, तो पीला है अंबर ऑप्शन सी होगा। और फिर उसका एक और ऐसा था, पीला अंबर है जिसकी, ऐसा कुछ लिखा था, पीला अंबर था, पीला अंबर है, ऐसा एक था और एक था तो गलत विग्रह दिया गया था, उसमें सही को चूज करना था। पीला है अंबर वाला लगाया हमने, हाँ तो वही होगा ना। नहीं हिंदी हिंदी बढ़िया थी, गद्यांश नहीं आया बस 5 नंबर का, वो जो बंदी फुकड़ मिल जाते तो, पर गद्यांश उसे सरल सरल विलोम दे दिया था, उसकी वही मतलब वो चीज सेट किया। यानी हिंदी का पूरा सब बेसिक था, बस एक ही वो था समा पूछा था बस औसत में, बस संधि वंधि कुछ नहीं, अलंकार अलंकार एंट्री करते टाइम फिंगरप्रिंट मेरा भारत महान लिखवाया था। नहीं सर, मेरे फिंगर फिंगरप्रिंट में मेरा भारत महान लिखवाया, वहाँ पर सिर्फ वो जो अपना सब कुछ भरवाया और वहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगवाया बस, यानी मेरा भारत महान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिखवाएगा, अपने मेडिकल में लिखवाएगा। अब सीआईएसएफ वाले एएसआई सर की ड्यूटी थी सीआईएसएफ वाले की, और एक हेड कांस्टेबल रहे होंगे शायद, बाकी नहीं थे कोई, बाकी बाकी सब मतलब इंस्टीट्यूट वाला टीसीएस वाले थे सब इंस्टीट्यूट के, पर पेपर तो पूरा फोड़ दिया सबने। कोई बात नहीं, फोड़ दिया तो कटा भी ठीक ठाक जाएगी।